राधा स्वामी का सत्संग बांसवाड़ा में तारीख 17 फरवरी 1978 राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सहाय। दादा ने कहा था तालीम को बदल जाना, इसलिए मैंने तालीम को बदला। क्या कहा कहता हूँ, ए इंसान तू सत्संग करके असलियत हकीकत और सच्चाई को जान। हकीकत और सच्चाई क्या है, जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है, जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे, जैसी करनी करोगे वैसी तुम करनी फलोगे। मैं ये कहता हूं इस बात को भूल जाओ कि तुमने महर्षि जी से नाम लिया हुआ है या खुदा मियां से नाम लिया हुआ है या किसी बड़े संत से नाम लिया हुआ है। अगर आपके अमल और आपके कर्म ठीक नहीं है तो आप सजा से बच नहीं सकते। मुझको आत्मा के रूप का पता आप सत्संगी जिन्होंने मुझे गुरु माना उनसे मिला। कैसे मिला, मेरे पास रोज चिट्ठी एक दो रात ऐसी आती है जहाँ जो लोग मेरा ध्यान करते हैं मेरा रूप उनके अंतर प्रकट होता है, उनको दुआइयां बता जाता है, मरते समय ले जाता है, जागृत में लड़कों के पर्चे हल करा देता है, जैसे के नीचे बैठ कर दरियाओं के में डूबते हुए को बता देता है, अमेरिका यूके अफ्रीका बहुत जगह पर। और मैं नहीं होता, मुझे कोई पता नहीं होता और ना मुझे इल्म है। हजार हाँ आदमी इस वक्त मेरा ध्यान करते हैं, जब उनका ध्यान बन जाता है उनके काम हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि मैंने किया, वो ये समझते हैं कि मैंने किया और मैं जानता हूं कि मैंने नहीं किया। क्यों ये सच्चाई बयान कर रहा हूं, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी सी पालसी करके उसको 2.5 घड़ी का नरक मिला, तो अगर मैं सच्चाई आप लोगों से जब पब्लिक के सामने पेश नहीं करता, अपनी मान झूठे मान झूठी इज्जत झूठी दौलत के लिए कि हाँ मैं फलाने के अंतर गया ये किया वो किया, अगर ऐसी बातें कहता हूँ तो जब मैं ब्राह्मण हूँ भागवत को भी मानता हूँ, जब मैं देखता हूँ युधिष्ठिर जैसे को भी थोड़ी सी पालसी करने पर सजा मिली, तो अगर मैं ये पालसी करके आप लोगों को जीवों को अपने पीछे गलत मान के लिए मेरे पीछे लगे तो मैं इसको बुरा समझता हूं, डरता हूं। आप समझिए मेरी बात को, आपने लाखों सत्संग सुने होंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, ये सच्चाई किसी ने बयान नहीं की और ये बिल्कुल सच है जो मैं कह रहा हूं। तो मैं यहां आया, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको नहीं सिर्फ सारे संसार को, सिर्फ आपको ही नहीं तमाम संसार को और खासकर इन महात्माओं को जो गुरु बने हुए हैं और हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाया हुआ जिन्होंने। अब मैं आया, माफ करना, आप आए, ये माताएं आती हैं, तुम लोग मत्था टेकते हो, ये करते हो वो करते हो, आपने मेरा क्या देखा, मैं चोर हूं ठग हूं, मेरी गरज क्या है, किस मतलब के लिए आया हूं, ये जो कुछ तुमको या हमको मिलता है ये तुम्हारे अपने ही विश्वास और श्रद्धा का फल है। जैसी तुम्हारी आशा है वैसी तुम्हारी भाषा है, जिस किस्म के तुम्हारे अपने ख्याल हैं, जिस तरह से एक औरत है सुंदर है खूबसूरत है, उसका लड़का उसको मां समझता है,
तो जब वो उसको माँ को देखेगा उसके अंदर और भाव होंगे। उसी औरत को उसका भाई बहन समझ के देखता है उसके और भाव होंगे। उसी औरत को उसका खावन देखता है उसके और भाव होंगे। तो तुमको और हमको जो कुछ भी इस माया देश में मिलता है ये हमारे अपने ही विश्वास का और अपने ही श्रद्धा का और अपने ही यकीन का फल मिलता है। इस बात को भूल जाओ कि तुम सुबह से शाम तक राम 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 जपते हो, मगर अगर तुम्हारे अमल ठीक नहीं है, तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, तो वो राम राम तुमको बचा नहीं सकता। जब तुलसीदास रामायण को तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है, जिस रामायण को हम पढ़ के हिंदू बहुत कुछ फायदा उठाते हैं, जब वो भी अपने कर्म से नहीं बच सका, यीशु क्राइस्ट जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था वो भी अपने कर्म से ना बच सका, बड़े बड़े संत और महात्मा कहलाने वाले कुछ न कर सके। समझ गए मेरी बात को? वो क्या है, जब तक किसी को ये यकीन नहीं आता कि जो कुछ उसके अंतर फुरना फुरती है ये है नहीं, सिर्फ भासी है, माया है, तब तक कोई भी हो उसका फर्क भी आ जाए वो अभागवन के चक्कर से निकल नहीं सकता। तो जो लोग भी सत्संगी अपने अंतर ध्यान बना लेते हैं, मूर्त बना लेते हैं, अपने अपने गुरु की, अपने अपने इष्ट की, उनकी विल पावर बढ़ जाती है और जैसा वो सोचते हैं वैसा होता रहता है। ये नहीं कि बाहर का गुरु कुछ आके उसको देता है। अगर मैंने वही काम करना होता जो दूसरे महात्मा आज कर गए तो मुझे नई दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं जब किसी को कोई तकलीफ होती है मैं कहता हूँ ध्यान किया करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। जब दूसरे साल जाता हूँ मिलते बाबा जी हमारा ध्यान बन गया, ध्यान बन गया बहुत अच्छा, क्यों वो काम नहीं बनते? मैं कह रहा हूँ ध्यान नहीं बना। अरे भाई ध्यान तुम्हारा नहीं बना तो बाबा क्या करे? मैं दर्द दिल से ये आवाज दे रहा हूँ, इंसान तू अपने कर्म को बनाने वाला खुद है। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का और विवेक। क्योंकि आम आदमी गुरु को ज्ञान स्वरूप नहीं समझ सकते या प्रेम रूप नहीं समझ सकते, इसीलिए उनको आम तौर पर इष्ट बनाना पड़ता है। इष्ट जिस तरह आपके अंदर काम है, अगर काम का सुख भोगना चाहते हो तो किसी को तुमको औरत मानना पड़ेगा, अपनी बीवी। बगैर बीवी के आप अपने काम के सुख को नहीं हासिल कर सकते। अगर आप में मोह है, जब तक किसी को अपना लड़का या अपना भाई या बेटी नहीं समझोगे तो मोह का सुख हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही लोभ है, जब तक नोट चांदी सोने को चीज नहीं मानोगे तुम उस लोभ को आकर, ऐसे ही उस जगह पहुंचने के लिए कोई ना कोई इष्ट बनाना पड़ता है। हम लोग माने उस इष्ट को दाता-दार के रूप में बनाया कि वो पूर्ण है। इस वास्ते कबीर ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद,
गुरु किया है देह को सतगुरु चीना न, कहे कबीर का दास को तीन ताप भरमा। इस वास्ते गुरु जो होता है आइडियल होता है, मगर जब तक अज्ञानी जीव होता है वो वैसे ही हरकत करता है जैसे छोटे बच्चे माँ के साथ हरकत करते हैं।